हेलो गाइस, दशरथ से खन्नारिया, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस फ्रॉम एबीबीएमसी विद्सा, एंड वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय ट्यूटर 247। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका टॉपिक होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि जब नीट का पेपर होता है तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कवर करता है। तो आज की मैं आपको जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा मैं कार्बन की कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन कंसेप्ट, टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग स्पीसीज और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अपन स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक टॉपिक से, कार्बन की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। और बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, छोटी छोटी बड़ा मोटी बात है, बेसिक प्रॉपर्टीज अपन कार्बन की नोटिस करेंगे, ठीक है ना। कार्बन, कार्बन का एटमिक नंबर 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। कार्बन का एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। 6 एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर एक बार मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इसका, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप जो मतलब कि जो लोगों ने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p2। ये हो गई उसकी k सेल, ये हो गई होगी इसकी l सेल। k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बन सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फेल हो गए। और इसके l सेल में कितने हैं अपने, 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने, 1, 2, 3, 4। और हम बात करें अगर बैलेंसी की, व्हाट इज बैलेंसी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉन एज बैलेंसी। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नॉन एज बैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बैलेंसी, बैलेंसी। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 4, ठीक है ना, कार्बन की बैलेंसी 4। और इस एक और आप ऐसे भी देख सकते हो उसको, ये हो गई कार्बन के एटम की आउटर मोस्ट सेल, ये हो गई उसकी 2s2, ये हो गई उसकी 2p2, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप जानते होगी कि पहले एक ही सिक्वेंस में भरते हैं इलेक्ट्रॉन उनको, तो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आप पढ़ोगे ए वाला इलेक्ट्रॉन, जब आप पढ़ोगे ना तो आप ये देखोगे ए वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ए वाला इलेक्ट्रॉन। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन को हमने इधर, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जो नया स्ट्रक वो देखते हैं हम, तो ए ऐसा बन जाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें मिक्सिंग ऑफ सेल्स ऑफ द सेम एनर्जी, ए उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप इसमें आप एक बार देखेगा कि ए हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंसी, और ए उसकी क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगी उसकी, कार्बन एज टेट्रा बैलेंट। शब्द को पकड़ो आप, टेट्रा मतलब 4, बैलेंट मतलब बैलेंसी, ठीक है ना। और एक चीज यहां से कार्बन है टेट्रा बैलेंट। दूसरी प्रॉपर्टीज हम इसकी देखेंगे, कार्बन की सेकंड प्रॉपर्टीज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे कैटिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैटिनेशन के हिसाब से चल रही है, क्योंकि कैटिनेशन ही वही होता है कार्बन और कार्बन में कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब आपस में कितने, इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नॉन एज कैटिनेशन। और पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कार्बन में ही होती है। एक क्वेश्चन भी बनता है इनऑर्गेनिक में, उसके सिक्वेंस में एक क्वेश्चन बनता है कि कैटिनेशन की सिक्वेंस में उसके वो लगाते हैं अपन ऑर्डर में लगाते हैं, तो एक क्वेश्चन ही बनता है। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब इस एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली टेट्रावेलेंट, एक पढ़ ली कैटिनेशन, अब थर्ड बात करेंगे अपन
फॉर मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कैसे, अब इसके, अब ये समझो इसके चार इलेक्ट्रॉन के पास फ्री है, यानी कि इसके पास चार हाथ फ्री है दूसरों के साथ बॉन्ड करने के लिए। मीन्स ये अपना कार्बन, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है कि चार लोगों से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे सी सी डबल बॉन्ड सी सी ऐसे करके अपने, मतलब कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी ऐसे करके बहुत लंबी चेन बना सकता है। ए लाइन अपनी कैटिनेशन भी शो कर रही है, और मल्टीपल बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ए लाइन ए भी शो कर रही है कि कार्बन कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, और नंबर सेकंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये वही हमारी कार्बन की, मतलब की जो नॉर्मल नॉर्मल वो होते हैं टेट्रावेलेंट कैटिनेशन मल्टीपल बॉन्ड। अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आएगी, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मतलब जिसके आप उसमें बॉन्ड एंगल वगैरह, अब जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाइए तब आपको सारी चीजें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना हो गया। अब बात करेंगे अपन रिएक्शन की। व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल मेक, ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल फॉर्म। तो अब रिएक्शन है, रिएक्शन को मैं एक उसके द्वारा शो करना चाहता हूं। ए बी एक्स बाय ए डैश एक्स प्लस बी डैश बाय। तो इसमें आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, कि इसका जो एक्स था इसके साथ आ गया, कि इसके मतलब पहले इसके साथ ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब रिएक्शन में हमको कितने, एक रिएक्शन होने के लिए हमको कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या कह रहा हूं मैं, एक रिएक्शन होने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहली चीज हम देखते हैं सबस्ट्रेट, और दूसरी चीज हम देखते हैं रिएजेंट। व्हाट इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट नॉट रिएजेंट, सबस्टेंट इज द रिएक्टेंट, सबस्टेंट इज द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड कार्बन फॉर न्यू बॉन्ड्स, क्या कह रहा हूँ, सबस्टेंट इज द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड कार्बन एटम फॉर न्यू बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये होगी अपनी सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट तो मतलब कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन है रिएजेंट, कि मतलब इसको प्रोडक्ट बनना है लेकिन इसकी हेल्प से बन पाएगा ये प्रोडक्ट में, ठीक है ना। क्या कह रहे, ये सबस्ट्रेट बनेगा प्रोडक्ट में लेकिन किसके थ्रू बन पाएगा, रिएजेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो अपन पूरा फोकस अपन को इस पे करना होता है। तो अपनी ये रिएक्शन कवर हो गई। अपन सबसे इसकी मतलब जो इतने टॉपिक है इसमें सब इसकी जान, मतलब ए टॉपिक ए बॉन्ड क्लीवेज अटैकिंग स्पीसीज, ये सबसे मेन है। तो अब इन इस टॉपिक, ये तो मतलब आप पहले से पढ़े होंगे, ये सब आप जानते होंगे। तो मेरा मतलब यही है, अब ज़्यादा फोकस करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह। तो अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला पॉइंट है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज बेटो का मतलब होता है टूटना, क्या होता है टूटना। अब बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप के होते हैं, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। आप साइंस पढ़ने में, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको किसी बर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बर्ड को तोड़ो आप, तो होमोलाइटिक बर्ड पे जाओ। होमो मतलब कि एक जैसा, सेम इक्वल, है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे बोलते हैं ना, ये बोलो होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह। तो होमो मतलब कि एक, मतलब कि जो बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब देखो बॉन्ड ऐसा तो नहीं कि एक आदमी बॉन्ड बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो
तो बॉन्ड कितने लोगों में बनेगा? दो लोगों, दो तीन, ऐसे मतलब एक से ज्यादा ही होगा। सपोज ए और प्लस बी के में बॉन्ड बना है, ठीक है ना। तो अब इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, ए प्लस बी के जब बॉन्ड है हमको वो तोड़ना है। तो अब ये बॉन्ड मतलब कि ए जो रहा बॉन्ड की वो इक्वल टूटेगा अनइक्वल टूटेगा, उसके आधार पे हमने बॉन्ड क्लीवेज को दो टाइप में पढ़ रहे हैं, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। और बात कर रहे हैं हम होमोलाइटिक में। होमोलाइटिक में क्या होगा आपको एक बात पता है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, ये बात अब अगर आपको मतलब कि बहुत से लोगों को पता होगी, सब जिसको भी नहीं पता हो वो आप मतलब कि नोटिस कर नोट कर लो, मतलब ऊपर लिख लो आप छत पे कॉपी के, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ये चीज़ आप मतलब बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता रहती है। जब मैं पढ़ता था तो मैं मुझे भी पहले नहीं आती थी समझ में, इसलिए मैंने उसको नोट करवा दिया। होमोलाइटिक की बात करेंगे, तो होमोलाइटिक की बात करेंगे तो ये हमारा कार्बन एटम, इसकी मतलब कि तीन बॉन्ड इसके बने हैं, इसके तीन बॉन्ड बने हैं, ठीक है ना। इसके पास एक ए स्पीसीज आई, जेड स्पीसीज आई, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ये देखो शेयर किए थे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन। और एक और बेसिक चीज, एक कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मोस्ट, कैसा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या होगा, तो होमोलाइटिक में क्या होगा, आपको होमो से बड़ा पता ही है कि ए वाला बॉन्ड इक्वली शेयर होगा, ठीक है ना। जो होमोलाइटिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि ए बॉन्ड इक्वली शेयर होगा, नहीं दो दो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बात खत्म, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया जेड के पास, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा होमोलाइटिक। इंपॉर्टेंट है होमोलाइट, इंपॉर्टेंट तो है हेट्रोलाइटिक। बात करेंगे हेट्रोलाइटिक की। हेट्रोलाइटिक में ऐसा क्या होगा, ए रहा कार्बन, ये दिख रहा है आप लोगों को, ए रहा तो अब जो ए वाली स्पीसीज है जेड स्पीसीज है, तो अगर दो केस बन सकते हैं कि अगर इसके पास ई एन जानते हो आप लोग, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा ही होगा इनऑर्गेनिक में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, मतलब ये तो मैंने ओनली अपने वैसे अपने शब्दों में बता दी। तो अब अगर इस जेड स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी कार्बन से ज्यादा होगी तो ए वाला इलेक्ट्रॉन ये अपने साइड खींच लेगा, क्या समझो। अगर जेड की ई एन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है तो ए वाला इलेक्ट्रॉन ये अपनी साइड खींच लेगा, अगर अपनी साइड खींच लेगा तो फर्दर क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन या कंफ्यूज मत, कार्बन से तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और जेड ये दोनों अपने ले गया इलेक्ट्रॉन और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तो एक केस बन गया। सेकंड केस क्या बन सकता है कि जेड की ई एन कार्बन की ई एन के कंपैरिजन में कम हो तो एक कार्बन अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है ना। एक खींच लिया इसने इलेक्ट्रॉन और ए जेड के पता गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब ये दोनों केस हमने पढ़ा दिए हैं और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, सिर्फ बर्ड से ही आप समझ जाना कि हेट्रोलाइटिक क्या है होमोलाइटिक क्या है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कार्बन पढ़ लिया, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, कार्बन हमने पढ़ा था कि टेट्रावेलेंट होता है और मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्शन हमने पढ़ा व्हाट इज सबस्ट्रेट व्हाट इज रिएजेंट, और पढ़ा फिर हमने अंडरस्टैंड टू मैकेनिज्म पढ़ा। सबसे पहले हमने बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज हमने अभी तक दो कवर कर लिए हैं, सबसे पहला कवर किया होमोलाइटिक और दूसरा कवर किया हेट्रोलाइटिक। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अटैकिंग स्पीसीज। क्या अटैकिंग स्पीसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा मैं आपको बड़े बड़े अक्षरों में, अटैकिंग स्पीसीज। और अटैकिंग स्पीसीज रिएजेंट का ही वो है, ये कोई अलग से कोई कुछ नहीं है, ये रिएजेंट का ही, जो रिएक्शन में बात की थी ना सबस्ट्रेट और रिएजेंट, तो रिएजेंट का ही पढ़, कोई अलग से कोई चीज नहीं आई है। आप जो शब्द आपने ये देख सोचो कि अलग से कोई चीज आई है,
तो रिएजेंट वो अटैकिंग स्पीसीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको होमोलाइटिक बर्ड बता रहा था, तो यहां पर भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब बर्ड को पकड़ो, यहां पे बर्ड को पकड़ो, आप मीनिंग अपने आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। और फाइल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और फोबिया का जस्ट अपोजिट होता है फाइल। अगर फोबिया मतलब कि हेट, तो फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रॉन बर्ड से ही क्लियर हो गया ना, क्या मतलब कि कोई ज्यादा मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बर्ड से ही क्लियर हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको दिख नहीं रही होगी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है ना, स्पीसीज को एसपी लिख दिया मैंने। तो अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अब जिसके पास वो चीज नहीं होती उसको हमको ज्यादा कदर होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं तो इनके पास, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन कमी होंगे, तो उसको हम मतलब कि साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो, किसी से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी चीज से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो उस पर ऑब्वियसली बात है, सोचने में मतलब कि वही कोई बड़ी बात नहीं। अगर उससे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो 100-100% उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, मतलब कि स्पीसीज कैरी पॉजिटिव चार्ज। ए मैंने पॉजिटिव को ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर ए मतलब कि ए कोई श्योर नहीं है, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर एम्स लेवल की मतलब एम्स से वैसे क्वेश्चन नहीं आते असर्शन वगैरह, अगर कि क्वेश्चन आया कि स्पीसीज है पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रोफाइल, नो दिस इज नॉट ट्रू। मतलब यूनिवर्सल नहीं है कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही होगा। तो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सोडियम प्लस का, सोडियम ए इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, थर्ड वाले इस पॉइंट का सोडियम प्लस। सोडियम का एटमिक नंबर 11, बहुत अच्छे। लेकिन उससे एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन उस पर कितने बचे, 10। 10 से आपको कुछ याद आ रहा है, नोबल गैस। ये क्या है, नोबल गैस। और नोबल गैस मतलब कि मेनली कोई रिएक्ट नहीं करती, तो नोबल गैस मतलब कि अबे क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि मतलब कि कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता भाई। मतलब इसकी तो एटमिक मतलब कि इसकी तो आप ईसी ईसी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक स्ट्रक्चर होगी इसकी तो। ठीक है ना, तो ए मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल ही हो। एग्जाम्पल आपने ले लो सोडियम प्लस, के प्लस। ठीक है ना, तो आप ये चीज मतलब कि अगर आपको लिखना चाहो तो आप ये चीज नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए। अब अगली बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट एज लोएस एसिड। ठीक है ना, जस्ट एग्जाम्पल BCl3। ठीक है ना, AlCl3, ZnCl2। अब हम देखते हैं कि ये कैसे एक्ट करते हैं, BCl3, या फिर हम इसको ये लिख लो BF3। ठीक है ना, तब कैसे एक्ट करते हैं, मैं आपको इधर फिर से डायग्राम के थ्रू मतलब कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको चीज विद मतलब विद कंसेप्ट बता रहा हूँ। BF3, BF3 का अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बी ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका, अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ लिया है तो इसका, तो ठीक है ना, प्लेनर इसका वैसा एक लॉन पे छोड़ो BF3। अब एक बात देखो, आप ये क्या है, बोरोन, बोरोन का एटमिक नंबर 5, बहुत अच्छे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। ठीक है ना, 2p1 एक जब हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ आ गया होगा। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया होगा, लेकिन ये जो खाली है, क्या खाली है, ये जो इसकी सबसेल, जो इसकी जो सबसेल खाली है,
इसकी सबसेल खाली होना ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से ए पॉइंट की इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ए पॉइंट क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ए पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ए हम मतलब कि ए कोई जरूरी नहीं, अगर किसी पे मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो गई, ठीक है ना। तो अब ए जो जो उसकी जो एक जो सबसेल खाली है, ए सबसेल शो कर रही है कि ए इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, क्योंकि इसकी इसको तो अपना वो सबसेल यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा ना। ऑक्टेट मतलब कि स्टेबिलिटी, हर कोई मतलब हर कोई गेन करना चाहता है स्टेबिलिटी, तो हर कोई नोवल गैस लाइक जैसा स्ट्रक्चर अपना बनाना चाहता है। तो लेकिन ए जो सबसेल खाली है, सबसेल शो कर रहा है कि ए इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैंने ए भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। और हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ पॉजिटिव चार्ज वाला, अगर आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ सोडियम से, तो मैं आपको H प्लस का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना। H प्लस हाइड्रोजन का एटमिक नंबर एक, बहुत अच्छे, वो किसमें बन जाएगा, 1s में, 1s बन, सॉरी 1s बन में बन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। अब बने और ए भी चला गया इसके पास। अब आप देख लो इसकी जो सबसेल है 1s वो खाली है, जो 1s जो खाली है शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ए हो गए अपने, तो ए मैंने ए भी पॉइंट मतलब एग्जांपल के थ्रू मतलब समझा दिया मैंने। अब एक और आप इलेक्ट्रोफाइल में एक और पॉइंट देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज में क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। वो चीज मैं आपको फिर से डायग्राम, अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो, फिर से आपको उसी चीज समझाना चाहूंगा। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा कैसे, अब मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। अब स्ट्रक्चर एक मान लो सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अब मैं आपको फिर वही मतलब ई एन पे आपको फिर से मैं लाना चाहूंगा। ई एन व्हाट इज ई एन, ई एन मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, अब इसी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जब कार्बन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ए इस वाले का इलेक्ट्रॉन ए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी ई एन ज्यादा है तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्सीजन उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो अब ए इलेक्ट्रॉन इसने इस साइड खींचा, अपनी तरफ खींचा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन इस साइड खींचा तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आने से मतलब कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ए शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा,